जैसे कि हमारे कोई दूर के बहुत सारे भाई हैं, जैसे आपके पास जैसे डीजे साजन आ रहा है, वो शायद पहुंचने भी वाले हैं आजकल में, तो उनके साथ कोई हमारे यूट्यूबर आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, मतलब आपके पास लोग आ रहे हैं, हालांकि आते तो हर बार ही है, तो उनको लेकर आपके पास क्या सुविधा रहने वाली है? भैया हमसे जो भी हर तरीके से जिसको जैसे मदद होगी हम उस चीज की करने के लिए तैयार। यूट्यूब चैनल पर हमारी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से आप सभी को और आपको स्पेशल चौधरी डीजे को प्यार भरा नमस्कार। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर सबसे पहले आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को, जितने भी लाइव में जुड़ेंगे हमारे भाई। भैया मेरा नाम शहजाद चौहान है, मैं चौधरी डीजे का ओनर और मैं प्रतापपुर गांव से, जिला बुलंदशहर प्रतापपुर। तो हमारे पास क्या मतलब तुम्हारे पास अपने जितने भाई बैठे हैं क्या? नहीं जितिन भाई ना, ये हमारे गुल्ला भाई हैं, हमारे लिए फेंटा लेकर आए। अच्छा ये तो जानते हैं। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आपने जो मतलब डीजे का काम स्टार्ट किया था वो करीब कब से स्टार्ट किया था? डीजे का काम स्टार्ट किया मनोहर भाई करीब करीब मेरे पापा करते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से, मैं छोटा सा बचपन से जब से करते आ रहे हैं। कोई करीब समथिंग कितने मतलब साल हो गए? करीब 35 साल हो गए हमारे घर में साउंड का डीजे काम होते साथ। अच्छा जी 35 साल। हाँ तो अभी आप संभालते हो? हाँ ये करीब करीब 8-10 साल से 11 साल से मैं कर रहा हूँ काम कर रहे हो। अच्छा जब आप पहली बार मतलब हरिद्वार कब लेके गए थे अपना साउंड सिस्टम? पहली बार लेके थे 2017 में लेके गए थे, और उसमें जब दो बेस का डीजे था ट्रोले पे लगा था वो, दो बेस 8 टॉप का। अच्छा जी ट्रोले पे लगा था वो भी? हाँ वो ट्रोले पे लगा था, हमारे यहीं से बड़ी कावर गई थी उसमें लगा था। और जब जैसे कि आप पिछले साल मतलब कुछ यूनिक करके लाए थे टाटा में, वो आपके माइंड में कहाँ से आया था? बस क्या है आदमी सोचता रहे कि देखें हम भी कुछ ना कुछ करके, माइंड में क्या घर पे बैठे बैठे सोच रहे कि ऐसा करें वैसा करें, गाड़ी लोड लेगी ना लेगी, कोशिश करी तो काम सक्सेसफुल हो गया, फिर भी लास्ट टाइम में गाड़ी ने आके धोखा दे दिया, क्लिच प्लेट खराब हो गई थी। हाँ ये तो मैंने सुना था। अच्छा मैंने आपने कहा था मतलब मेरे से कि मनोहर भाई अगर हमारा ट्रोला बुक नहीं होता तो कुछ अब क्या मतलब जो टाटा है उसमें कुछ नया करके दिखाएंगे अब की बार, और तो ऐसा क्या कुछ करने वाले थे? तो ये थी कि अगर ट्रोला, पहले तो ट्रोले की चॉइस थी कि हमारा ट्रोला बुक होए, और मन भी था कि ट्रोला लगाने का एक बार कि ट्रोला लगाएं। अब उसके बाद में जब ट्रोले की बुकिंग ना होती तो फिर हम अपनी टाटा ही लगाते। टाटा लगाते टाटा में तो अब की बार कुछ तो आप कह रहे थे कुछ 6 टायर वाली टाटा कौन सी वो एसर वगैरह वो लाने की कह रहे थे। वो कावर के बाद में शायद देखो हमारी एक नीचा मॉडल गाड़ी हो रही है, उसको हम बेच बाज के दूसरी लेकर आएंगे गाड़ी, कावर के बाद में नहीं। अब जैसे कि आपको पता है हमारी आए दिन तो तबीयत खराब रहती है, थोड़ी दिक्कत चल रही है फैमिली में, तो इसी वजह से आप सभी भाइयों के लिए मैं स्पेशल ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर आ रहा हूँ सभी भाइयों के, जैसे कि अभी रावण का कर रहा था हमने, मोहित भाई का, डीजे कसाना अपने उमेश भाई, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहजाद भाई डीजे चौधरी के ओनर, और काफी अच्छे अच्छे इंटरव्यू हमारे चैनल पर आने वाले हैं दोस्तों। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और अभी हम वार्तालाप आगे करते हैं। तो सर जैसे कि आपके पास मतलब हरिद्वार की बुकिंग आई थी जो पिछले साल बड़ी टाटा थी आपकी, तो आपको पहले इससे पहले एक्सपीरियंस था हरिद्वार का? एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, बस मनोहर भाई एक बार देखने के लिए गया था मेला उससे पहले, उसे देख देख के फिर हमने सोचा कैंप भी लगाएं सामान। अच्छा बस खाली देखने के लिए गया था। दूसरी बात आपकी बार अरुण भाई ने भी हर चीज से भाई मैं भी साथ हूं, जतिन भाई हैं, हां चौधरी विराट रावनी मानो अब तो डीजे को देखो भाई अच्छा, हर चीज से साथ है मेरे। और दूसरी तो, चीज जतिन भाई ने बहुत ज्यादा कही कि भाई ट्रोला ही लगाना है ट्रोले लगाना, तो भाई की मैंने बात करी, सभी भाइयों का मन भी है ट्रोला लगाने का, तो भैया ट्रोले की इसलिए आम ही भरी है। देखो जैसे भी काम होता है ये तो बस ऊपर वाला जाने, जैसे भी सबकी किस्मत है भैया नाम करना है, नाम अपनी तरफ से बेस्ट देने का ही मतलब कोशिश करना। और जैसे कि आपने ट्रोले की बुकिंग भरी है तो आपके मन में थोड़ा मतलब नर्वस फील हो रहा है, थोड़ा डर सा फील तो हो रहा होगा कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। ये है कि आज से पहले ट्रोला नहीं लगाया, लेकिन अरुण भाई ने ट्रोला आज से पहले लगाया था, उनको पता है इस चीज की। अब हमें थोड़ी देखो टाटा की नॉलेज है, और रही बात ट्रोले की, जब टाटा की नॉलेज ट्रोले पे मिक्स होगी तो भाई कुछ तो निकल के आएगा ही, चाहे थोड़ा आवाज या ज्यादा आवाज। तो आपका क्या कुछ खास रहने वाला है हरिद्वार में आपके खास पे? कुछ नहीं, जो हम पहले से था वही है सब कुछ है।
सब वो लाइट किसकी की है आपकी बार आपने? ये नईम भाई हैं स्टार साउंड वाले। हाँ हाँ वही लाइटिंग करेंगे हमारे डीजे पे जो। तो मैंने सुना है कि उनका रुका है लाइटिंग में पूरे मेरठ में, उनसे ऊपर कोई शायद लाइट वाला तो है नहीं मेरे अंदाजे से। ऐसा तो पता ना, बाकी मेहनत अच्छी करते हैं नईम भाई ये ऐसा पता हमें, लाइटिंग भी अच्छी चलाते हैं। काम तो सभी आदमी बढ़िया करें। देखो अब ये समय पे किसका ठीक चल जाए ये भैया टाइम बताता अपनी कीमत। बिल्कुल हकीकत है, ये तो साउंड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। अच्छी अच्छी चलती चलती में भी दिक्कत आ जाती है। अच्छा प्रशासन ने आपके पास एक वो भेजा होगा नोटिस, आ गया नहीं आया? नहीं अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, क्योंकि जब हरिद्वार जाने से पहले सभी डीजे वालों के पास एक नोटिस आता है प्रशासन की तरफ से। अच्छा गाइडलाइंस क्या क्या जारी हुई है आप हमें बता सकते हो हमारी इस वीडियो के माध्यम से? भैया एक तो 12 फुट के करीब तो हाइट बताइए और 12 फुट चौड़ाई बताइए, ऐसा करके तो पता लगी है। 12 फुट चौड़ाई और साफ सफाई को लेकर, साफ सफाई है भैया हरिद्वार के अंदर कोई भी आदमी गंदगी ना फैलाए प्रशासन ने बोला, और एक दूसरे के हिसाब से को देख के चले, कोई लाइट का तार वार हो ये हो कोई दिक्कत ना आए कहीं भी, और रोड पे कोई भी डीजे वीजे लगाए तो थोड़ा साइड से बचा कर लगाए कि दूसरे के आगे से गाड़ी निकल जाए। बिल्कुल। अच्छा जैसे कि आप, चलो ये तो हो गया हरिद्वार का, आपका क्या मानना है? देखो जैसे कि मतलब मेले में, हरिद्वार मेले में 36 बिरादरी जाती है और सभी डीजे रहते हैं, तो उन पे जाती बिरादरी के गाने बजते हैं, जैसे कि बाबा का मेला है, तो आपकी क्या राय है इस मामले में? बजने मेरे चाहिए पूरे मेले में भोले बाबा के गाने चलने चाहिए, अगर कोई कंपटीशन भी हो रहा तो गाने पे भोले बाबा के गाने पे कंपटीशन हो। हाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक चलाना चाहता है, देखो अपना साउंड बेस्ट दिखाने के लिए हर आदमी म्यूजिक कुछ ना कुछ हट के रखता है, एक आध आदमी चला भी रहा तो कोई एक आध कोई ऐसा म्यूजिक चला ले कोई गंदे डायलॉग वगैरह ना चला कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी चलाएगा तो पहले एक आदमी ने कर दे तो दूसरा अपना आप चलाने लगता है, इसलिए भैया कोई भी पहल ना करे इस चीज की। बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या तारीख को निकलोगे सर यहाँ से, मतलब अपना ट्रोला लेकर डीजे सेटअप लेकर? मनोहर भाई हमारा मन 19 तारीख के करीब में यहाँ से निकलने का मन। जगह देख ली आपने वहाँ पे? हाँ है, हमारे जो कमेटी के मैन जो दो चार आदमी उन्होंने जगह की बात कर ली अपनी जगह, हो सकता है आज हमारा ट्रोला कल ही निकल जाए 18 मई, तो हम अपनी गाड़ियों से सामान पहुंचाएंगे वहाँ पर। अच्छा अच्छा जैसे कि हमारे कोई दूर के बहुत सारे भाई हैं, जैसे आपकी बात जैसे डीजे साजन आ रहा है हाँ। तो शायद पहुंचने भी वाले हैं आजकल में, तो उनके साथ कोई हमारे यूट्यूबर आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, मतलब आपकी बात लोग आ रहे हैं हालांकि आते तो हर बार ही है, तो उनको लेकर आपके पास क्या सुविधा रहने वाली है? भैया हमसे जो भी हर तरीके से जिसको जैसी मदद होगी हम उस चीज की करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपका रेडी कितना हो चुका है सामान? सामान सब कुछ रेडी है, कुछ रह रहा है उसे हम आज रेडी कर देंगे। क्या क्या लगने वाला है आपकी बार? अभी कुछ स्पीकर अरुण भाई बना रहे हैं, कुछ बेस के स्पीकर रह गए, अरुण भाई कल माल लेके आए थे तो वो आज बना रहे हैं, वो आज रेडी कर देंगे। हमारे लगभग समथिंग आधे बेस जो हैं अरुण भाई ने बनाई है सारे स्पीकर। अच्छा हाँ तो हैंडमेड रहने वाले हैं सारे? आधा हैंडमेड है आधा कंपनी का। अच्छा तो उसमें प्रेशर मीट भी रहने वाले हैं? हाँ वो तो मैं चलाता हूँ, देखो जी मनोहर भाई मेरे पास जो भी है वो तो मैं चलाता हूँ। अच्छा किस टाइप में होती है? हमारे बहुत से भाई हैं जो प्रेशर मीट की सेटिंग भी नहीं जानते और उन्होंने कभी मनोहर भैया सबका अपना अपना हिसाब है, सब कुछ ऐसे ही है जैसे एचएफ होती है ऐसी वो मीट का सिस्टम होता। तो उनकी क्वालिटी बताइए, मतलब उनकी क्वालिटी कैसी लगती है? उनकी क्वालिटी कुछ नहीं है, बस खाली वोकल का सीन है उनका। वोकल का सीन है। मैंने जब 2000 मतलब अभी 2024 में बालाजी यात्रा में आपका डीजे गाया था तो मैंने आपकी मतलब वोकल सुनी थी, जो मिड होती है ना मोटी आवाज होती है। देखो इसमें अरुण भाई ने कुछ मेहनत करी है, कुछ हमने करी है मिलके, मेन चीज क्या है इसको क्लीन करा। हाँ हाँ अब ये ना कि अकेले की मेरी है कि मैं नहीं करा इसको, हम मिलकर करा हम दोनों ने ये सब कुछ। तो आवाज तो बहुत बेहतरीन आ रही थी पूरे मतलब बालाजी यात्रा में तुमसे ऊपर, तो भाई आवाज कैसी लगी थी? देखो ये के बेस्ट से बेस्ट दिखाएं। बिल्कुल सही बात है। और भाईचारा बना कर रखे आपस में सभी भाई। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है कुछ नहीं, सबसे भाईचारा मेरा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा पार्टियां देखो पार्टियां पैसे खर्च करी, एक एक दो दो गाने का अगर किसी का कंपटीशन होता तो भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल हकीकत है, ये तो होना चाहिए। लेकिन तरीके से अच्छा। एक गाने का कंपटीशन होता माइकिंग ना हो, बिल्कुल ही ना हो, मेरे कहने से तो माइकिंग बंद कर रख दी जाओ, जब डीजे बराबर में लग जाओ।
अच्छा जैसे कि मैं एक आग्रह करना चाहूंगा सभी डीजे वालों से और आपसे भी, जिस टाइम कंपटीशन वगैरह होते हैं तो हमारा यूट्यूबर का और आम पब्लिक का भी ध्यान रखा जाए, जितने भी ये लेजर लाइट होती है सभी डीजे पे वो बंद कर दी जाए। देखो कंपटीशन के टाइम पे ये लेजर लाइट चलो बंद भी हो जाएंगी, सभी भी कर भी देंगे, ऐसी बात ना, पब्लिक वीडियो बनाती है, वहाँ फैन फॉलोइंग पहुंचती है पब्लिक की, देखो सभी की, वो तो बंद हो जाएंगी, कोई ज्यादा बड़ी बात ना। देखो हर आदमी इस चीज का भी ध्यान रखेगा, किसी का नुकसान ना चाहेंगे कोई भी। कायदे में तो ये बात आपको बोलनी चाहिए थी कि मतलब जिस टाइम हम कंपटीशन करेंगे उस टाइम हम अपनी लेजर लाइट बंद करेंगे। लेजर लाइट लगाएंगे तो मनोहर भाई सबसे पहले मैं बंद करूंगा अगर कोई कंपटीशन, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि देखो इतने महंगे फोन रहते हैं सभी पे, और जिस टाइम लेजर लाइट का अगर एक पॉइंट भी हमारे कैमरे पे पड़ जाता है तो बिल्कुल कैमरा खत्म हो जाता है। पहले तो मनोहर भाई मेरे ही खराब हुआ सबसे पहले तो। तो मैं सभी डीजे वालों से ये तो आग्रह कि जितने भी लाइटें हैं लेजर लाइट है वो बंद कर, और सर मुरादाबाद की अपडेट दीजिए, क्या कुछ रहने वाला है मुरादाबाद में? मुरादाबाद में हमारा डीजे जाने वाला विराट रावन के नाम से। अच्छा विराट रावन के नाम से रहने वाला आपकी बात। रहेगा चौधरी विराट रावन एक जगह ही है, दोनों में से एक आदमी मिला करेगा जो भी करेगा। चलो अच्छा उसमें क्या क्या सामान रहने वाला है, उसमें सामान क्या क्या रहने वाला, क्या तारीख को स्टार्ट सामान की कोई गिनती नहीं करिए अभी मनोहर भाई, सामान की कोई खोलना सामान कहीं भी यहाँ हरिद्वार में भी कोई खोलना है, कोशिश ये है कि अपने पास से ज्यादा लेके जाएंगे, जितने की जरूरत होगी वहाँ उतना लगा देंगे। बिल्कुल अच्छा, तो क्या तारीख को रहने वाला है प्रोग्राम? प्रोग्राम वो शायद 19 तारीख का तो वो पड़ रहा रक्षाबंधन, तो मुरादाबाद का जो मेला होने वाला वो आपकी बार 12 तारीख के करीब में दिखा बता रहे हैं, 12 तारीख के बाद में। हाँ। अच्छा आपके पास जैसे मतलब हरिद्वार का ये ट्रोले की बुकिंग आई है। हाँ। तो आप उस चीज को लेकर कितने उत्सुक हो, कितने मतलब अंदर से प्राउड फील कर रहे हैं मनोहर भाई कि मुझे भी मौका मिला है इस चीज का, ऐसे नहीं है देखो यार किसी को मौका एकदम ना मिल पाता, मैं तो बहुत बहुत कम टाइम में आया हूँ यहाँ तक, एकदम मुझे ट्रोले का ऑफर मिल गया। मैं चाहता हूँ देखो भाई जैसी मुझसे मेरी पार्टी ने जितने भाइयों ने उम्मीद करी है मैं उस पर खरा उतरूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, उन्होंने अगर 100% की उम्मीद करी मैं 100% दूं अपनी तरफ से। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जैसे कि आप कहीं जाते हो आपका डीजे कहीं किसी को दिखता है, आपकी डीजे की ज्यादा डिमांड रहती है पब्लिक के बीच में या आपकी ज्यादा डिमांड रहती है? क्योंकि अब तो आपका फेस वैल्यू से कोई मैटर नहीं, जो मेरी बुकिंग होती है वो मुझे बुक करते हैं, खाली डीजे ना हो चाहे सजा दो कोई भी गाड़ी हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने 2023 से पहले किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है और ना ही आप फेस मतलब आप फेस रिवील करते थे, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आपने यूट्यूब पे चैनल भी बना लिया, इंटरव्यू भी रेगुलर आ रहे हैं और लोगों के बीच अपडेट भी बराबर पहुंच रही है? मेन चीज क्या मनोहर भाई, देखो ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है आदमी को एकदम फेमस कर देती है कोई भी बंदा हो। बिल्कुल चाहे मैं ये सही चाहे कोई भी सही। अब 2023 में हमारा वहाँ पर इंटरव्यू हुआ अपना आप ही, हमने किसी से नहीं बोला, अपना आप ही हमारा डीजे देखा, पब्लिक को अच्छा लगा तो इंटरव्यू करने के लिए भी आई पब्लिक। मेन चीज क्या देखो हम ये तो कहने थे हमारे ट्रोलर से बेस्ट है या सबसे बेस्ट है, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश, कुछ अलग दिया चाहे खराब दिया तो पब्लिक की नजर में ये लगा कि ये कुछ हटका है, उस चीज को पब्लिक पे फोकस पड़ा तो पब्लिक को लगा ये भी डीजे कुछ है भाई, देखो इंटरव्यू करने के लिए आए, फिर लोग बाग तो भैया हम कोई इतने बड़े वो तय नहीं कर उनसे मना कर देंगे भाई हम इंटरव्यू ना दे रहे। हमारा कितना हाथ है आपको मतलब थोड़ा ऊंचाई पर जाने में? सबसे पहले तुम ही आए थे मनोहर भाई हमारे हमारी गाड़ी का इंटरव्यू सबसे पहले तुमने लिया था, देखो मैंने लिया था सबसे पहले, वीडियो वायरल तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी वीडियो वायरल हुई थी हमारी गाड़ी में, और काफी मतलब लोगों का प्यार मिला आपको। हाँ बहुत प्यार मिला वीडियो से ऐसा ना। हाँ भाई पब्लिक तक पहुंचाने में तुम्हारा भी पूरा हाथ है ऐसा ना, फिर बाद में और भी यूट्यूबर आए सबने भैया वीडियो बनाई सबने अच्छी तरह से वीडियो बना के लेके गए। तो अब की बार आपके डीजे पे ऑपरेटर कौन कौन रहने वाले हैं? ऑपरेटर भाई हाँ एक तो हमारे जोरन भाई का डीजे बजाता है सहवाग है, एक हमारा क्या नाम जतिन भाई है जो मेन ऑपरेटर है हमारे। अच्छा एक औरंगाबाद से राहुल है और एक हमारा जो हमारी गाड़ी परमानेंट बजाता है वो शिवा है। अच्छा और एक ऑपरेटर और है हमारा जो क्या नाम निक्की जो बागी गुजर डीजे प्ले करता लड़का। तो यानी कि 6 ऑपरेटर हो गए। 6 ऑपरेटर है सबका अपना अपना काम अलग है जिसको जहां प्ले करना है। और आपने अपना नाम तो लिया नहीं क्योंकि आप मालिक भी और ऑपरेटर। मैं डीजे ऑपरेट नहीं करूंगा मेरा पिछले साल कोई ऑपरेटर नहीं था ना मैं इसलिए ऑपरेट कर रहा था।
तो आपकी बार मतलब पूरा धुआं उतारने वाले जो सबसे मेन ऑपरेटर है वो है अरुण भाई। अच्छा अरुण भाई, अरुण भाई तो पूरे डीजे को ऑपरेट करेंगे आपकी बार। हाँ ना नहीं आपकी बार उनसे डीजे डीजे चलवाना, डीजे के पीछे कंट्रोल वगैरह बहुत अच्छे चलाते हैं वो, मैंने देखा उन्हें। सही बात है, होना चाहिए कुछ नया करते हैं वो अब, मतलब हर बार कुछ ना कुछ, जैसे कि 2019 में पृथ्वी काशी गुज्जर को लेके गए थे वो। हाँ तब भी वही प्ले कर रहे थे सहवाग और वो अरुण भाई, रुक का ही उठा रखा था। हाँ नहीं सही बात है भैया, हम तो यही चाहेंगे कि आपका बहुत अच्छे से बज के आए, बढ़िया अपना 100% देना हरिद्वार में। और जैसे कि आप हरिद्वार पहुंच जाओगे तो क्या तारीख को निकलोगे वहां से? वहां से मनोहर भाई बोल तो रहे हैं 26-27 में जल उठाने के लिए। जब मतलब 27 तो काफी लेट हो जाएगा मामला, 26 में तो बोला ही है उन्होंने हमसे कि 26 में हम जल उठा लेंगे। हाँ तो आप 25 में टेस्टिंग कर जाएगी, कहाँ तक आएगा आपका डीजे? ये मेरठ तक ही आएगा, लाल गुर्ती से है और कुछ बंदे मतलब 2-3 कमेटी जुड़ी हुई है वहां से है मेरे, मतलब मिक्स है। हाँ जी सब मिक्स है अपना, कुछ भाई दो यहाँ से करके ऐसे करके कमेटी बनी है हमारे लिए। तो सभी भाई ने उन्होंने मिलकर डीजे बुक करा हमारा, हर चीज से बढ़िया तरीके पार्टी हमारी अच्छी है। देखो हम खाम कर गए, हमें अभी तक किसी चीज की जैसे बोला सब चीज से एग्री है वो, आपकी पार्टी किसी चीज की डिमांड नहीं करी कि भाई हमको ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए। बाकी आपकी जो पहली पार्टी थी वो भी एकदम दमदार थी। हाँ हाँ देखो तारीफ आदमी के पीछे ही होती है मनोहर भाई, वे हमारे लिए आज भी कहते घर जैसे संपर्क है हमारे उनसे। बिल्कुल ऐसे होने भी चाहिए। मैंने इजाजत ली है ट्रोला बुक करने की। अच्छा इजाजत भी उन्हीं से ली है कि भाई मैं ट्रोला, उन्होंने इस बार ये बोल दिया कि सजाद भाई तुम्हारी अगर मर्जी है कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं हर चीज से। उन्होंने बोल दिया हम अबकी बार कावड़ी में निकाले, अगले साल जाएंगे तुम्हारे साथ। अच्छा अगली बार मतलब आपकी बार वो कावड़ी में लेके जा रहे हैं, अगर चौधरी डीजे उनके साथ नहीं है तो कावड़ हाँ, भी नहीं जा रही। हाँ जी वो हमारे साथ तो अच्छा आएंगे, पहचान होती है वो हमारे साथ आएंगे अब भी नुकरे अच्छा। हमारे साथ कैसे आएंगे देखने घूमने मतलब बिहारी दोस्ती में। मनोहर भाई घर जैसा संपर्क हो गया उनसे एक साल में, बिल्कुल घर जैसा। बहुत बढ़िया, नाम भी तो आपका बहुत ऊंचा पहुंच गया एक साल में। देखो उन्होंने मुझ पर आंख का भरोसा करा, पैसे भी बहुत अच्छे दिए, आपने भी तो अपना 100% दिया है। हाँ इतना सारे टाटा में आज तक किसी को ना पैसे मिले हों, बहुत पैसे। हाँ कुछ अपने अंदर का राज बताइए, मतलब ऐसा कि जो तुम कुछ अलग करने वाले हो अपनी बार, ऐसा कुछ एक चीज बताइए। मनोहर भाई राज कुछ नहीं है, सब कुछ खुलतम लगेगा, वो ये जो चीज हम अपने टाटा पे लगाते हैं वही सब कुछ उस पर लगेगा, ना ही हमारे कोई डीजे पे लाइनर होंगे ना ही कुछ होगा, अगर 2-4 हुए तो लाइनर हुए बाकी और कुछ नहीं है, वो भी अरुण भाई के अपने पर्सनल लाइनर है। टोटल क्या क्या सामान लगने वाला, कितने बेस कितने लाइनर कितने टोट कितने मनोहर भाई गाइडलाइन के हिसाब से लगाएंगे सामान जैसा है वहां सब लगाएंगे। बाकी आप क्या क्या लेके जाने वाले हो? अभी गाड़ी लोड ना करें, गाड़ी पूरी भर के ले जाएंगे। अच्छा गाड़ी भर के ले जाएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, तो गाइडलाइन के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, और जैसे कि आप मतलब आपके अरुण भाई से जान पहचान कैसे हुई? अरुण भाई कभी एक बार हमें यहाँ मिले थे बादशाह भाई के साथ, अब से करीब 2-3 साल हो गई जब मिले थे, जब मुलाकात हुई उसके बाद एक बार मैं। हाँ वीडियो कट गई है आपकी, सामने वाले के ऐसा कॉल आ गई थी। अच्छा अब भी कनेक्ट हो पड़ा क्या? रुका पड़ा कनेक्ट हो रहे हैं तो मनोहर भाई वीडियो नहीं आ रही है। मेन चीज क्या है उन्होंने वीडियो नहीं आ रही सर आपकी, तो मेरे नेचर है वो उनके सामने वाले के मुझसे मैच खा गए। अच्छा अच्छा वो हमेशा के लिए बन गई। एक बार आगे पीछे कैमरा करके देखो वीडियो नहीं आ रही आपकी, पीछे कर दिया आगे कर दो, दोबारा लिंक पे जाके ज्वाइन हो जाओ। हेलो तो ये आपकी वीडियो कट गई है अब देखियो, चलो अभी भी नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका इंटरव्यू हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, और आगे उम्मीद है इससे भी अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही साथ रहेगा हमारा तुम्हारा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद भाई, तो आप हरिद्वार में मिलते हैं आपसे। ओके भाई।
ठीक है जी, तो हमारी तरफ से नमस्कार आप सभी को और फैजान भाई को। जय भीम मनोहर भाई। जय भीम भैया, जय भीम।